हूँ अस्मा किचन में। खुश आमदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में सेपरेट चाय बन रही है, बहुत ही टेस्टी और यमी ये चाय बनती है। और जो सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, आप ये चाय घर में ज़रूर बनाया करें, बल्कि आम दिनों में भी ये चाय बना के पिए तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होगी। अक्सर घरों में दूध पत्ती चाय पर पी जाती है, मगर जो असल में चाय का टेस्ट आता है वो सेपरेट चाय में होता है। सेपरेट चाय आज मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने तकरीबन एक गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है। तकरीबन चार कप हम चाय के बनाएंगे। चारों कप मैं अपनी फैमिली के लिए बनाने वाली हूँ, घर में फैमिली के लिए अपनी, बहुत ही टेस्टी और यमी। ये देखें, पानी पक चुका है और इसके अंदर चली जाएगी डेढ़ टी स्पून पत्ती का जाएगा। और इसमें हम हसबेंड जरूरत चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं तकरीबन इसमें 1 टीस्पून भर के चीनी का डालूंगी। 1 टीस्पून भर के मैंने चीनी का डाल दिया। सेपरेट चाय में ख़ास बात ये होती है कि इसको अच्छे से कहवे को हमने पकाना है, और उबलते हुए पानी में हमने पत्ती डालनी है। आप देखें, ये पकना शुरू हो गया और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा पूरे किचन में आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा आ रही है। ज़रूर इस चाय को बनाइएगा। जो दूध है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि सेपरेट चाय में दूध भी जो है गर्म ही जाएगा, इसमें पकता हुआ दूध डालेंगे। ये देखें, दूध भी पकना शुरू हो गया। अब ये दूध भी जिस तरह ही पकना शुरू हो गया, कहवा अभी हम 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम ये दूध भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, कहवे का कितना प्यारा टेस्टी सा कलर आ गया है। बहुत ही मज़े की चाय बनने वाली है ये। अब जो दूध हमने पकने के लिए रखा हुआ था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा पक चुका है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब वो दूध इसके अंदर शामिल करते जाएंगे हम। ये देखिए, और कलर मैं दिखाना चाहती हूँ आपको चाय का, कि किस तरीके का कलर हमारी चाय का आएगा सेपरेट का। ये चाय अगर आपने बना ली अपने घर में तो आपके घर वाले यही चाय बनाने की फरमाइश करेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त चाय रेडी हो गई हमारी, कितनी मज़े की चाय रेडी हो गई है। दूध भी गर्म था, कहवा भी अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसको कपों में डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारी चाय कैसी बनी शाम की। ये देखें, इतने खूबसूरत से कप हैं जो मैं इम्तियाज सुपर स्टोर से लेके आई, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इस कप में अब हमने डालनी है चाय। एक कप मैं अपने लिए बनाऊंगी, एक मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, एक मैं अपनी सास को भेजूंगी। बाकी बच्चों ने जिसने पीनी होगी वो पियेंगे, मगर चाय की खुशबू ऐसी है कि सब बच्चे ही पियेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।